अब आसमान में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पांच प्लैनेट एक साथ दिखने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजर के मुताबिक मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और यूरेनस को आप बिना किसी इक्विपमेंट के आसानी से देख पाएंगे। हैरान कर देने वाली इस घटना का धरती पर क्या असर पड़ेगा, आखिर ये सारे प्लैनेट्स एक साथ क्यों दिखाई देंगे, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब आज भास्कर एक्सप्लेनर में। मार्च को सूरज ढलते ही इन प्लैनेट्स को आप आसमान में वेस्ट होराइजन में देख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर के मुताबिक इसे आप दुनिया के किसी भी हिस्से से देख पाएंगे। इसे प्लैनेट्स अलाइनमेंट कहते हैं। ये कोई अनोखी एस्ट्रोलॉजिकल घटना नहीं बल्कि एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। इसे ऐसे समझे कि सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। जब कुछ ग्रह थोड़े वक्त के लिए सूरज के एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ग्रह एक दूसरे के आसपास है। इसे कुछ लोग प्लैनेट की परेड भी कहते हैं। आपके जहन में ये सवाल जरूर होगा कि ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट होता कैसे है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जो सभी सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि सूरज का चक्कर लगाने में इन ग्रहों की स्पीड, रास्ता और लगने वाला वक्त अलग अलग होता है, लेकिन इनका ऑर्बिट यानी प्लेन एरिया समतल होता है। जब ये एक अलाइनमेंट में होते हैं तो कुछ इस तरह की घटनाएं हमें आसमान में देखने को मिलती है। सूरज ढलने के साथ ही मर्क्यूरी और जुपिटर करीब आधे घंटे बाद होराइजन लाइन में डूब जाएंगे। अगर आसमान साफ है तो इन पांचों प्लैनेट्स को धरती पर कहीं से भी देखा जा सकता है। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अलाइनमेंट के दौरान वीनस और जुपिटर दोनों की चमक ज्यादा है, इसलिए उन्हें आसानी से देखा जा सकता है। इसे आप देख कैसे पाएंगे, अब ये भी जान लेते हैं। किसी तेज लाइट के सोर्स से दूर हटकर आप देखेंगे तो शायद बिना किसी इक्विपमेंट के कुछ ग्रहों को आप आसानी से देख पाएंगे, लेकिन मर्क्यूरी और यूरेनस को ढूंढना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो धुंधले होंगे। ऐसे में टेलीस्कोप की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही अगर आपको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है तो आपके पास यूरेनस यानी अरुण को देखने का एक शानदार मौका है। इसे आप वीनस के ठीक ऊपर देख सकते हैं। सोलर सिस्टम में होने वाली ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसे नज़ारे पहले भी देखे जा चुके हैं। इस तरह की आखिरी घटना जून 2022 में हुई थी जब मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और यूरेनस एक साथ आसमान में दिखाई दिए थे, जिन्हें आप आगे भी देख सकेंगे। 11 अप्रैल 2023, 24 अप्रैल 2023, 29 मई 2023 और 17 जून 2023। सोलर और उससे जुड़ी घटनाएं वाकई खूबसूरत होती है।